खबरों में आ गए जहां पर खंडवा कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने आदिवासी अंचल खालवा में घरेलू प्रसव कम करने के लिए विशेष गाड़ी तैयार करवाई है, जिसका नाम जच्चा गाड़ी रखा गया है। इसकी मदद से बिना मोबाइल नेटवर्क के भी गर्भवती महिला को इसका लाभ मिल सकता है। आपको बता दें कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट ने इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर इस गाड़ी का प्रयोग खंडवा में सफल रहा तो पूरे प्रदेश में लागू किया जा सकता है। बहरहाल जिला प्रशासन की इस कोशिश को कितनी कामयाबी मिलती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन सुदूर ग्रामीण अंचलों में मोबाइल नेटवर्क नहीं होने की समस्या को कोसने की बजाय कलेक्टर की ये कोशिश सच में बेमिसाल है। और अधिकतर खालवा में होम डिलीवरी हो जाती है, तो मुझे ये गाड़ी देख के बहुत मतलब अच्छा फील हो रहा है और इसमें आरामदायक थोड़ा लग रहा है, जैसे हम अच्छी तरह से हॉस्पिटल मतलब जा सकते हैं। जी सर, इससे काफ़ी मुक्ति मिलेगी क्योंकि अधिकतर महिलाओं के पास पैसे नहीं होते, घर में सुविधाएं नहीं होती है, तो ये सुविधा अगर मिल जाएगी तो होम डिलीवरी नहीं हो सकती। प्रसव को संस्था में लाने के लिए हम लोगों ने जच्चा गाड़ी की परिकल्पना की है और इसका एक प्रोटोटाइप तैयार कराया है। यहाँ पर जब भी प्रसव की संभावित तिथि होगी वहाँ पर हम लोग ये जच्चा गाड़ी काउंसलिंग के साथ और इसको किसी भी बाइक से जोड़ने की प्रक्रिया समझाने के साथ प्रसूता के घर रख देंगे, ताकि जब उसको लेबर पेन हो, जब प्रसव का समय आ जाए, तो उसका कोई भी परिजन, पति या कोई भी गांव का व्यक्ति उसको हमारे निकटतम प्रसव केंद्र पर ले आए और संस्थागत प्रसव